हेलो दोस्तों, मैं केदारानंद आपके एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आया हूँ। ये स्वीट मॉडर्न का किताब है जो कि प्रतिदिन आगे बढ़े, ये इसके नेक्स्ट चैप्टर है अवसर का निर्माण, जो कि 2 नंबर है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो अद्भुत का, विकास का, आश्चर्यजनक आविष्कारकों का तथा विचलन साहस का युग है। इस युग का आह्वान है कि हम ऊंचे उठे और तथा उन्नति के शिखर पर पहुंचे। सभ्यता के इस नए दौर में अवसर कुल को नहीं अपितु योग्यता को पसंद करता है। मनुष्य के लिए पुरस्कार के जितने अवसर आज हैं उतने शायद कभी ना हो रहे होंगे, लेकिन जो विजय पाने का इच्छुक है उसके साधन व औजार, रीति नीति तथा कार्य विधि उत्तम होने चाहिए, निम्नतम होने चाहिए। आपको जिन सीढ़ियों पर चढ़कर पहुंचना है वे संभवतः आपके निकट ही हैं। किसी भी मुल्क में कोई भी नगर अथवा कस्बा ऐसा नहीं है जहाँ की योग्य व्यक्ति की मांग न हो, जिसमें विकसित योग्यता हो, अधिक साहस हो, वही आगे बढ़कर उन अवसरों को हस्तगत कर सकता है तथा उसमें सफल होकर अपने भविष्य की महान संभावनाओं की उम्मीद भी कर सकता है। अतः उठिए, हर जगह अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आज श्रेष्ठ प्रशिक्षित एवं कार्यकुशल व्यक्तियों की हर स्थान पर मांग है। प्रत्येक उद्योगपति योग्य व्यक्तियों की खोज में लगा हुआ है। प्रत्येक देश का शासन योग्य व्यक्ति की खोज में भारी खर्च करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेवाओं तथा उत्पादन का अधिक मूल्य मिले तो आपकी तैयारी भी बढ़ानी होगी, नहीं चाहिए। वास्तव में विजय वही होगा जो अपने अवसर को सफल बनाने का दृढ़ संकल्प करेगा। आप इस कथन पर भूल कर भी विश्वास मत कीजिए कि अच्छे अवसर नवयुवकों के लिए समाप्त हो चुके हैं, जबकि वास्तव में यह है कि अच्छे अवसर कभी भी समाप्त नहीं होते। जो अवसर आज विद्वान है वैसे तो इससे पूर्व कदापि न थे। जो फीस आज एक डॉक्टर अथवा वकील को मिलता है वह पहले कभी किसी को नहीं मिली थी। जितना वेतन आज एक इंजीनियर को मिलता है उतना पहले किसी को भी नहीं मिला था। आज जितना मुनाफा बहुत से व्यापारियों कमा रहे हैं अतीत में तो उसकी कल्पना भी ना की जा सकती थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल लाखों लोग बेकार तथा बेरोजगार हैं, लेकिन साथ ही यह भी ठीक है कि प्रत्येक व्यापारिक संस्थान, प्रत्येक कार्यालय, यहाँ तक कि एक दुकानदार को भी योग्य कार्यकर्ताओं की सख्त जरूरत है। आज संपूर्ण व्यावसायिक जगत प्रशिक्षित एवं कार्यकुशल व्यक्तियों की खोज में लगा है। श्रेष्ठ प्रशिक्षित युवकों तथा युक्तियों की प्रत्येक क्षेत्र में मांग है। अच्छे प्रबंधक, विकसित मस्तिष्क, नेता, विशाल हृदय मनुष्य प्रत्येक क्षेत्र में चाहिए। उन्हें उतना वेतन नहीं मिल सकता है जितना इससे पूर्व कभी नहीं मिल सकता था। वास्तव में भविष्य उन्हीं का है जो तंद्रा छोड़कर उठे, आगे बढ़े तथा वरदान को दोनों हाथों से प्राप्त करें। विजय उन्हें अवश्य प्राप्त होगी जो कि विजय होने का निश्चय कर चुके हैं। आदमियों की भीड़ में गुम न हो ये जरा हाथ पैर हिलाइए, अपने दाएं बाएं देखिए, तनिक ऊंचे उठकर देखिए, आपको अपने लिए अवसर दिखाई देगा। हाँ, उसके लिए कोई अवसर नहीं है जिसके मन में काम करने की अभिलाषा नहीं होती, जिसके अंदर प्राप्त अवसर का लाभ उठाने की क्षमता नहीं है, जिसमें अपनी संपूर्ण इच्छा शक्ति तथा कार्य क्षमता को
अपने पीछे लगा देने का संकल्प नहीं है। सैकड़ों व्यापारिक संस्थान अधिकाधिक योग्य व्यक्तियों की तलाश में लगे हैं जो उनके यहाँ ऊंचे से ऊंचे पद पर आकर विभूषित हो। वेतन कितना होगा इसकी कोई सीमा नहीं है। कोई माई का लाल आए और उत्तरदायित्व तो संभाले, योग्यता से कार्य का संचालन करे, सही व्यवस्था एवं अनुशासन की स्थापना करके व्यापार संस्थान को लाभ की संस्था बनाकर चलाएं। कौन कहता है कि आज अवसर नहीं है रहे? अवसर तो आज भी असंख्य है, मगर कमी है योग्य व्यक्तियों की। आज उस व्यक्ति के लिए महान सफलता बाट जो रही है जो कि अवसर को मजबूती से पकड़कर घोर संघर्ष करने हेतु तैयार है। जो सौम्य चित्त से, प्रसन्न मन से, उद्यम व्यवसाय से तथा कार्य कुशलता पूर्वक आजीविका कमाने पर डट जाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए सफलता के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन आप यह स्मरण रखें कि आपकी सर्वोत्तम सफलता का अवसर आपके अपने भीतर है। आप जब तक यह सोचते रहेंगे कि वह आपसे बाहर कहीं और है, किसी दूसरे मनुष्य में है, आप तब तक असफल रहेंगे। आपका अवसर आपके व्यक्तित्व में निहित है। वास्तविकता सफलता आपके चरित्र एवं व्यक्तित्व पर आधारित है। आपकी सफलता आपकी दिव्य शक्ति में उसी प्रकार छिपी हुई है जिस प्रकार विशाल वट वृक्ष वट के लघु बीज में छिपा होता है। पहले अपना विकास कीजिए, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करिए। अपनी कार्य कुशलता, अपनी शिक्षा, श्रमशीलता, उदारता तथा सहृदयता का विकास कीजिए। इसके उपरांत जहाँ भी आप जाएंगे अष्ट सिद्धियां एवं नवो निधियां आपके चरणों में आकर लौटने लगेंगे। अपने व्यक्तित्व को प्रकाशित करिए, अपना आपा खोल कर रख दीजिए। व्यक्तित्व प्रतिस्फलन कीजिए, उन्मुक्त एवं मौलिक रूप से आत्मभिव्यक्ति कीजिए। एक न क्या हजार सफलता आपके कदम चूमेगी। एक मनुष्य था जो की गरीबी में जन्मा, अभावों में पाला, प्रत्येक व्यक्ति से उपेक्षित एवं मित्रों से रहित था। उसकी उन्नति के पथ में बाधाएं ही बाधाएं थी। उस बेचारे को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर न मिला सका था। इतना सब कुछ होने पर भी उसका संकल्प दृढ़ था, अटूट था। उसने संपूर्ण विश्व को दिखा दिया कि कार्य की सफलता महान पुरुषों के अंतःकरण में होती है, उपकरणों में नहीं। यह व्यक्ति था जॉन ए जॉनसन, जिसने कि मिनेसोटा का राजपाल बनने के उपरांत कहा था, मैं जिस कस्बे में जन्मा था उसी में मैंने सर्वोत्तम उन्नति करने का निश्चय किया था। अपनी दशा बदलते ने का तथा लोगों की दशा सुधारने का और उसी दृढ़ निश्चय के बल पर मुझे अपने उद्देश्य में कामयाबी मिली। मिनेसोटा में शायद हजारों नवयुवक एवं नवयुवतियां मौजूद थे जो यही शिकायत करते रहे कि उन्हें उन्नति का अवसर नहीं मिला था अथवा उनका भाग्य ने साथ नहीं दिया था, उन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिला, अतः वे अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाए। लेकिन किसी प्रकार का अवसर न होने पर भी जॉन ए जॉनसन ने अपना मार्ग स्वयं बना लिया। सफलता किसी अवसर में नहीं बल्कि व्यक्ति में होती है। ए जॉनसन की माता लोगों के कपड़े धोया करती थी। उसने 8 वर्ष की अल्प आयु में ही अपनी माता से लोगों की सेवा का कार्य छुड़वा दिया। वह गांव के एक स्टोर में दिन भर नौकरी करता था तथा शाम के वक्त एक स्थानीय प्रेस में चिट्ठियां एवं प्रूफ लाने के लिए
जाने का कार्य करता था। उसने हर तरह का त्याग एवं बलिदान करने करके अपनी माता को दूसरे की सेवा से मुक्त कराया। उसने मात्र 13 वर्ष की उम्र में अपने 5 भाई बहन के भोजन, वस्त्र एवं शिक्षा का भार अपने कंधों पर उठाया। उसके जीवन चरित्र में उपरोक्त सभी विवरण काफी महत्वपूर्ण है। उसे अभावों के कारण ही जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उसने कभी भी साहस एवं आत्मनिर्भरता को हाथ से नहीं जाने दिया। वह हिम्मत हारना तो जानता ही नहीं था। उसने इन्हीं कठिनाइयों के मध्य अपने जीवन को ऊंचा उठाने का अवसर देखा। फिर उसे बाधाओं से क्या भय हो सकता था? उसने सोचा लिया था कि मैं अपनी पथ बाधाओं की अपेक्षा अधिक बलशाली हूँ। जब शीतकाल में हिमपात होता था तथा वस्त्रों के अभाव में वह बेचारा कांपता ठिठुरता अपने काम पर पहुंचता था तथा परिवार का बोझ उसके कंधों को दबाए रखता था, तब भी वह क्षण मात्र के लिए विचलित नहीं हुआ था। वह ऐसा विषम परिस्थितियों में भी आगे ही आगे बढ़ता चला गया था। उसका दृढ़ संकल्प उसे आगे बढ़ने को प्रेरित एवं उत्साहित करता रहा। उसने सिर्फ अवसर उत्पन्न किया, उसकी प्रतीक्षा नहीं की। जो लोग अवसर का निर्माण करते हैं, उनकी मांग हर पल तथा प्रत्येक स्थान पर होती है। अवसर की प्रतीक्षा में समय खोना बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि धीरे धीरे यह व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। अवसर की प्रतीक्षा करते रहने से कठोर कार्य करने के लिए इच्छा एवं शक्ति नष्ट हो जाती है। जो कुछ नहीं कर रहे उन्हें अवसर कभी दर्शन नहीं देता। जो अवसर के लिए दूर दूर देखते रहते हैं, वे व्यर्थ ही अपना समय खो रहे हैं। एक महान कार्यकर्ता कार्य करने का शौकीन तथा हर पल चौकन्ना रहता। वह कार्य करता करता भी सावधानी पूर्वक संयम की गतिविधियों को परखता रहता। उसी के को अवसर दिखाई देता। कुछ लोग ऐसी मिट्टी के बने होते हैं कि वे हारना व झुकना ही नहीं जानते। वे काम तो करते हैं, लेकिन बहाने नहीं बनाया करते। वे ऊँगते नहीं, उबासियाँ नहीं लिया करते। वे आगे ही आगे बढ़ते जाते। वे किसी की मदद की प्रतीक्षा नहीं करते, अपनी मदद से वे स्वयं किया करते। वे अवसर की प्रतीक्षा में नहीं, अपितु अवसर के निर्माण में विश्वास रखते हैं। जो व्यक्ति असफल हो जाते हैं, उनके पास एक ही बहाना होता है, हमें चांस ही नहीं मिला सका। यदि हम असफल लोगों की फौज से भेंट वार्ता करें, तो अधिकांश से यही उत्तर पाएंगे कि उन्हें दूसरों की भांति कोई मौका नहीं मिल सका, कि उसकी सहायता करने वाला कोई न था, कि उनका उत्साह ही किसी ने नहीं बढ़ाया। वे असफल व्यक्ति हमें बताएंगे कि अच्छे अच्छे पदों में से भी नियुक्तियाँ की जा सकती हैं, कि प्रत्येक व्यवसाय एवं धंधों में लोगों को जमघट लगा हुआ है, कि उनके क्षेत्र में कोई अवसर नहीं है, कि उनके लिए पैर टिकाने की भी कहीं जगह नहीं है, कि सभी अवसर उनके हाथ में आने से पूर्व ही अन्य व्यक्तियों के कब्जे में आ चुके हैं। जो अवसर न मिलने की शिकायत किया करते हैं, वे वास्तव में अपनी दुर्बलता को स्वीकार करते हैं। वे अपनी अकुशलता का ढिंढोरा पीटते हैं। वे प्रकट करते हैं कि परिस्थितियां का मुकाबला करने की उनमें सामर्थ्य ही नहीं है। वे यह बतलाते हैं कि उन बाधाओं से वे अधिक बलशाली नहीं है जो उनके पथ में आती है। जब सिकंदर एक शहर जीत चुका था, तो किसी ने उससे पूछा, यदि अवसर मिला तो क्या आप दूसरा शहर भी जीतेंगे? यह सुनकर सिकंदर तमाकर गरजा, अवसर अवसर क्या होता है? मैं स्वयं अवसर का निर्माण करता हूँ। जिन्होंने महान कार्य कर दिखलाने
दिखलाएं, वे भाग्यशाली घरों में नहीं जन्मे थे अपितु निर्धन घरों में ही जन्मे थे, जिनके पास कोई मौका ना था। हार्वे, बेल, फुल्टन, फैराडे, माइकेल, हीटेन आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। बहुत से लोग भाग्य पर इस प्रकार अंधाधुंध विश्वास करने लगते हैं कि उन्हें कहीं भी अवसर नहीं दिखाई देता। वे चाहे किसी सोने की खान में के पास से गुजर जाए, उन्हें वह दिखाई नहीं देगा। इसके विपरीत कुछ अन्य लोग होते हैं जो बंजर उसर में भी मौका खोज लेते हैं। बहुत से लोगों के हाथ में अवसर होता है, जबकि वे उसे बहुत दूर कल्पना की दृष्टि से देखा करते हैं। वे देख नहीं सकते कि उनका अवसर उनके अपने हाथों में है। दूर के ढोल सुहावने की लोकोक्ति ऐसे ही लोगों के विषय में चरितार्थ होती है। पूरब का किसान समझता है कि वह बहुत सघन खेती कर सकता है यदि उसके हाथों में कहीं पश्चिम के खेत लग जाए। वह जिस वक्त इस प्रकार के दिवा स्वप्न ले रहा होता, ठीक तभी उसका पड़ोसी किसान अपनी धरती को गहरा खोद खोद कर अवसर निकाल रहा होता। हमें अपने भाग्य को बदलने हेतु किसी अन्य देश में जाने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे नगर में भागने की भी जरूरत नहीं है। आपको चाहिए कि इधर उधर भागे नहीं, अपितु अपने भाग्य को बदले, तो हो सकता है कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ अवसर यही हो जहाँ इस वक्त आप विद्वान हैं। हमारे अंदर गजब की कार्य शक्ति एवं क्षमता है कि यदि उसे विकसित किया जाए तो उसके माध्यम से सभ्यता को उन्नति के ऊंचे शिखर पर ले जाया जा सकता है। मानव जाति के दुखों एवं कष्टों को इसके द्वारा दूर की कर सकते हैं। आपका अवसर आपके कदमों के ठीक नीचे है, उसे खोज निकालना आपका फर्ज बनता है। आपका चांस अथवा अवसर वही छिपा हुआ है। जिस पुराने खेत अथवा पुरानी दुकान में आप कार्यरत हैं, आलस का परित्याग करके तनिक हाथ पैर पर हिलाइए, थोड़ा प्रयास तो करके देखिए, जरा हलचल तो मचाइए। वर्षों के एक ही चीज का उत्पादन करते हुए हुए अथवा एक ही चीज की खेती करते करते आप ऊब चुके हैं, जमीन की ताकत जवाब दे चुकी है अथवा दुकान की क्षमता छीन हो चुकी है, तो किसी अन्य चीज की फसल बोकर देखिए, किसी अन्य वस्तु का व्यापार करके देखिए। अगर आप किसान है तो उत्तम श्रेणी का बीज बो, तथा यदि दुकानदार है तो अपनी दुकान का सदैव बढ़िया माल ही लाकर रखिए। उठो, कुछ हलचल तो मचाओ। हमारे जीवन में कठिनाइयां तभी उत्पन्न होती है जबकि हम एकदम बहुत ऊंचे तथा बहुत दूर देखने लगते हैं। यह बात भूल जाते हैं कि सर्वोत्तम कार्य सबसे आसान होते हैं। जीवन में कई बार ऐसे अभी अवसर आते हैं कि हम कमल की तलाश में गुलाब के फूलों को भी अपने कदमों के नीचे रौंद डालते हैं। उनसे हम अक्सर आंखें मूंद लेते हैं क्योंकि हम उन्हें ऊंचे गगन में खोजते रहते हैं। तुम तो कहते हो कि कोई मौका नहीं मिला। अरे, तुम जहां इस वक्त खड़े हो वहीं तुम्हारे लिए अवसर विद्यमान है, लेकिन तुम हो कि उसे जानते ही नहीं हो। वही जरा अपने मन से पर्दा हटाओ, उसकी शक्ति व सामर्थ्य पर से आवरण हटाओ तथा ध्यान पूर्वक देखिए। यही अवसर की खोज करो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। अवसर को देखने की शक्ति मन के भीतर है, अंतर में के पट खोल रहे। ऐसी दृष्टि चाहिए जो चांस को देख सके। हमें ऐसा दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हम ऐसी दृढ़ इच्छा वाले हो सके जो पकड़ सके। हमें एक ऐसी तसल्लीन एवं तमन्यता चाहिए जो उसे सफल बना सके। कुछ
वक्त पहले कोई नवयुवक जो कि कई वर्षों से अपंग हो चुका था, बैसाखियों के सहारे हमारे पास आया। उसने बताया कि वह न केवल स्वयं कॉलेज में बड़े परिश्रम से अध्ययन कर रहा था, अपितु अन्य निर्धन छात्रों की मदद भी कर रहा था। आप पूछ सकते हैं कि वह अवश्य ही प्रभावशाली रहा होगा, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है थी। वह युवक केवल ईमानदार परोपकारी है, तथा यह भी सुनिश्चित है कि एक रोज वह दुनिया को कुछ बनकर दिखाएगा। वह अपने महान उद्देश्य से भली भांति परिचित है, तथा उसे पूरा करने के लिए लिए विवश होने वाली कोई भी उसके भीतर है, जो शारीरिक बाधाओं के बावजूद उसे लक्ष्य पथ पर चलने हेतु निरंतर विवश करती रहती है। एक ऐसी बाधा जिसे कि आप अपने लक्ष्य से महान मानते हैं, कोई भी ऐसा बंधन जिसे आप अपने दृढ़ निश्चय से अधिक मजबूत समझते हैं, सफलता से आपको दूर ही रखेगा। तुम्हें जो बातें नीचे गिराए हुए हैं, क्या वे सचमुच बलवान हैं, अथवा तुम्हारी ऊंचा उठने की भावना प्रबल है? तुम्हारे भविष्य का निर्णय इसी पर निर्भर है, महान आप है अथवा बाधाएं। सर्वप्रथम इसी बात का पक्का निर्णय कर लो, आप जब तक महान नहीं बन पाएंगे जब तक कि आपको बाधाएं दुर्मय प्रतीत होती है। आप तब तक महान नहीं हो सकते जब आपकी आशाएं आकांक्षाएं दुर्मय हैं, तो आपकी बाधाएं महान नहीं हो सकती। वे निश्चय ही और नग्न एवं तुच्छ हो जाएगी। उन समस्त बाधाओं को रौंदते हुए आप आगे निकल जाएंगे। आप तो अपने मन का राजे हैं। आप सब जब सिंहासन पर बैठते हैं तो आपका मन करता है कि आप आदेश दे, हुक्म चलाए, तब लोग आपका आदेश मानने के लिए सहमत हो जाते हैं। यदि आप स्वयं को अफसर का गुलाम बना लेते हैं, तो आप राजा कहाँ रह पाए? फिर तो आप भिखारी हैं, किसी भी कृपा दृष्टि के मोहताज। निरंतर बाधाओं की जब आप शिकायत करते हैं तो रोते रहते हैं, तो अस्पष्ट है कि आप शक्ति को स्वीकार करते हैं तथा आप अपनी कमजोरी को मानते हैं। लेकिन ज्यों ही आपके को बाद बोध होता है कि आप तो अपने मन के राजा हैं, जब आप अपनी दृढ़ शक्ति को जान लेते हैं, आप यह समझ लेते हैं कि आप ईश्वर के बनाए सर्वोत्तम प्राणी हैं। आप कर्म योनि में आए हैं, तो कुछ कार्य करके दिखलाना आपका कर्तव्य एवं अधिकार है। तो बाधाओं की विशाल सेना भी आपको शक्तियों की तुलना में तुच्छ प्रतीत होने लगती है, तो आप विशाल एवं विराट बन जाते हैं। तो आप उन बाधाओं का रोना छोड़कर अपने कार्य पर लग जाते हैं। शिव संकल्प के साथ, अपराजय क्षमता के साथ, दृढ़ शक्ति के साथ, वह क्षमता जो पराजित होना ही नहीं जानती। अक्सर हम कहते हैं, मेरे लिए कोई अवसर नहीं, अथवा मैं अमुक कार्य नहीं कर सकता। उस वक्त हम भी एक प्रकार से हजारों उन नवयुवकों युक्तियों की तोता रटंत की पुनरावृत्ति करते हैं, जब हम कहते हैं, यह कार्य तो असंभव है, इस कार्य को करने में मैं पूर्णतः असमर्थ हूँ। हमें इन तमाम शब्दों को अपने शब्दकोश से निकाल फेंकना होगा। जब हम महान कार्यों की बात सोच रहे हैं, तो तथा सोच सोच रहे हैं कि काश हमें भी कॉलेज की शिक्षा मिल सकती, हमारे पास भी कोई अच्छा व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी होती, तो हम उनके उदाहरण अपने सम्मुख क्यों नहीं रखते, जिनके पास हमसे भी कम अवसर थे, तथा फिर भी उन्होंने मार्ग की बाधाओं को ठोकर मारकर अपना मार्ग बनाया और निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते चले गए। न उनके पास मित्र थे, न उन धन था, न प्रभाव था, न कोई
कोई सहायक, मगर इसके बावजूद उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का सहारा लिया, मार की बाधाओं को उठाकर दूर फेंक दिया। उन्होंने शारीरिक कमजोरी अथवा अंगहीनता की परवाह न की तथा भाग्य के भरोसे बैठना कभी भी ठीक नहीं समझा, तथा इसीलिए प्रत्येक प्रकार के बाधा वातावरण में भी वे अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास करने में सफल हुए। एक बार बनियन के बेडफोर्ड जेल में अपने लिए अवसर खोज लिया था, विश्व के महानतम रूपक काब की रचना कर डाली। प्रश्न उठता है कि उसे जेल में कागज कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सुनिए, उसे जो दूध दिया जाता था उसे ढकने के लिए गिलास के ऊपर कागज रखकर मोड़ दिया जाता था। बनियन उसी कागज पर अपनी काव्य रचना किया करता था। इसके अतिरिक्त एक बालक ने जंगल में लकड़ियों काटने में ही अपना अवसर देखा। स्कूल की बात तो दूर, वह बेचारे के पास पुस्तक जुटाने का भी साधन नहीं था, फिर भी वह फुर्सत के वक्त पुस्तकें मंगाकर पढ़ा करता था। उसे पुस्तक के मांगने के लिए मीलों दूर जाना था होता, वह स्वयं अध्ययन करते करते वकील बना तथा यही नहीं, वह अमेरिका का राष्ट्रपति भी बन गया। उस बालक का नाम था अब्राहम लिंकन। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा कि जब भगवान किसी भी मनुष्य को शिक्षा देना चाहता है तो वह उसे पति के विद्यालय में न भेजकर विपत्ति के विद्यालय में भेजता है, उसे अभावों तथा आवश्यकताओं के विद्यालय में भेजता है। अक्सर निर्धनता के फलस्वरूप मानव के वे छुपे गुण प्रकाश में आते हैं जिनकी कभी किसी ने कल्पना भी न की थी। सुख आराम नहीं, सुविधा व प्रोत्साहन नहीं, असमान अवसर नहीं, पूंजी एवं ऐश्वर्य नहीं, निर्धनता ही मनुष्य का महान विश्वविद्यालय रहा है। इस विश्वविद्यालय से निकले स्नातकों की भारी संख्या ही महान राजनीतिज्ञों, उदार चरित्रों, भाषणकर्ताओं, विद्वानों, परोपकारियों, संगीतों, चित्रकारों एवं साहित्यकारों का पद संभालती रही है। आपके पास ही एक मनुष्य है, यदि उसे वही अवसर मिल जाए तो आपके पास तो वह अपनी तीक्ष्ण बुद्धि एवं कार्यकुशलता से एक कोई भी महान कार्य करके दिखला सकता है। लेकिन इन परिस्थितियों में से भी आपको कुछ भी अवसर दिखाई नहीं देता, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसी निर्धक बालक बालिकियाँ आए हैं जो कॉलेज में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन उन्होंने फुर्सत के समय में स्वयं पुस्तक पढ़ पढ़ कर ज्ञान उपार्जित किया। उन्होंने इस प्रकार अपनी क्षतिपूर्ति भी कर ली। एक आप हैं कि निरंतर एक ही रट लगाए जा रहे हैं, अवसर नहीं प्राप्त हुआ, आपके अवसर नहीं मिला, क्योंकि आपने अवसर को देखने का कष्ट ही नहीं किया। खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप लाइब्रेरी से अपनी अभीष्ट विषय की पुस्तकें लाकर स्वतंत्र रूप से उनका अध्ययन आरंभ कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि अवसर अवश्य ही महान एवं विचलन होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस वक्त जो भी कुछ आप इस समय कर रहे हैं उसी पर में अपना अवसर निहित है। अपने हाथ के काम को जरा अच्छी अच्छी बहुत अच्छी तरह सबसे अच्छी तरह कीजिए। आप सत जानिए, अगले ही रोज अवसर चलकर आपके पास आएगा। मनुष्य जाति के असली इतिहास में इससे अधिक रोमांचक तथा अन्य नहीं है कि मानव ने परेशानियों में किस प्रकार अपने लक्ष्य में कामयाबी हासिल की, किस प्रकार बाधाओं को लांघकर महान रचना कर दिखाई, उन्होंने कितने छोटे स्तर पर कार्य शुरू किया तथा किसी प्रकार के
वे प्रगति करते करते उन्नति के शिखर पर जा पहुंचे। वास्तव में उनका आराम कितना लघु था तथा विजय कितनी महान। उनका धैर्य, संघर्ष, उनके अभाव एवं कष्ट, उनकी बाधाएं, उन्हें जिन्हें कि उन्होंने पार किया, अंत में किस प्रकार उनकी विजय हुई, इसकी कथा ही सबसे लोमहर्षक एवं मनोरंजक है। वास्तव में साधारण अवसर को उन्होंने हाथ में लिया तथा निरंतर कठिन संघर्ष करते करते उन्हें उसे महान योग बना दिया। उन्होंने साधारण योग्यता से कार्य शुरू किया तथा वे निरंतर अपनी योग्यता बढ़ाते चले गए, साथ ही अपने उद्देश्य के लिए पूर्ण सामर्थ्य प्राप्त करने में सफल हुए। उनकी सफलता का वर्णन हम निम्नांकित शब्दों में कर सकते हैं। निश्चित उद्देश्य तथा अटल इच्छा शक्ति। कितना आकर्षक एवं मोहक दृश्य है कि एक मनुष्य उन परिस्थितियों में भी संघर्षरत रहा जो कि उसे नीचे गिराने के लिए जिम्मेवार थी। वह अकंपित अचल अपने लक्ष्य पर डटा रहा। वह प्रत्येक कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहा। उसका हृदय प्रबल रहा। इसका कारण यह है कि उसने संघर्ष करते हुए उसने अपनी कार्य क्षमता एवं अंतः शक्तियों को विकसित कर लिया था। उसने पुरुष पो चित पौरुष का ही प्रदर्शन किया, पुरुषार्थ किया। उसने अपने चरित्र बल को प्रत्यक्ष दिखला दिया कि यह परिस्थितियां का स्वामी है, दास नहीं। ऐसे व्यक्ति की गति को रोकने की शक्ति किसी भाग अथवा किस्मत में नहीं है। जिसका उद्देश्य शक्तिशाली है, जिसका हृदय प्रबल है, जिसकी कठिनता अपराजित है, जिसके हाथों में शक्ति है, उसकी राह भला कौन रोक सकता है। प्रतिवर्ष ऐसे हजारों वीर युवक उन बंधनों की कड़िया तोड़कर आगे बढ़ते हैं जो उन्हें बांध कर रखने का प्रयास किया करते हैं। उन्हें प्रबल हृदय मनुष्य, लापरवाह लोग, आलसी लोग, बहानेबाज लोग, निकम्मे लोग अक्सर भाग्य का ही रोना रोते हैं। जो भाव हमारे मन पर सर्वोपरि होते हैं, जैसे विचार जीवन पर शासन करते हैं, साधारण व्यक्ति ही की सिद्धि भी उन्हीं के जैसी होती है। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा, जैसी तेरी भावना वैसे तो कुसिद्ध। धीमी एवं दृढ़ इच्छा शक्ति में बड़ा अंतर पाया जाता है। लोहा जब तक गर्म होकर लाल न हो जाए तब तक उसे पीटकर मनवांछित रूप नहीं दिया जा सकता। ठीक वैसे ही जब हमारी इच्छा शक्ति प्रचंड नहीं हो जाती तब तक मनुष्य का खून नहीं उबलता और तब तक ही वह कामयाब होने के लिए जी तोड़ मेहनत नहीं करता। यदि भाप पूरी न मिले तो इंजन का पिस्टन काम नहीं करता। भाप से इंजन का पहिया नहीं चलाया जा सकता। सफल न होने वाली इच्छाएं यानी दुर्बल इच्छाएं, अधूरी कामनाएं ही होती है। जब तक प्रबल इच्छा मन में न उबलते लगे तब तक उससे रक्त में उबाल न आ जाए, जब तक लक्ष्य सिद्धि की कामना उद्यम न होते हो जाए, जब तक हमारे अंग पर प्रत्यंग खलबली न मच जाए, तब तक व्यक्ति की प्रवृत्ति एवं शक्ति क्षमता तथा कार्य कुशलता एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती, तब तक उसे सफलता भी नहीं मिलती। हमें चाहिए कि हम अवसर की प्रतीक्षा न करें, करके करके अपने लिए स्वयं अवसर का निर्माण करें, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक बार हाथ से गया हुआ वक्त वापस नहीं आता। हमें अपने जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यदि हम सच्ची लगन एवं ईमानदारी के साथ जी तोड़ मेहनत करें तो हमारे हमारे जीवन में शुभ अवसरों की कोई कमी नहीं हो। दोस्तों, यह ऑडियो बुक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। और